अगर एक जानवर है वो बेकाबू हो जाता है, उसको आप ज़िबा करना चाह रहे हैं और वो एक आवामी इज्तमाआत की तरफ वो चला जाता है और ठीक है वहाँ पे आपने उसको काबू कर लिया, चाहे वो आपने इंजेक्शन मार के किया या आपने उसको गोली मार कर किया या किसी भी तरीके से आपने उसको काबू कर लिया, तो उससे कुछ खून बह रहा है और आप मौके पर पहुंच गए, तो इसका बेहतरीन हल यही है कि उसको किबले की तरफ कर दिया जाए और अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर उसको ज़िबा कर लिया जाए। ये बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह चूँकि लाजिम जुज़ है, तो आप उसके साथ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर आप उस पर छुरी फेर सकते हैं। अगर वो ऐसे जानवर है जैसे आप देखें बैल हैं जी गायें हैं कि वो बहुत ताकतवर है, अल्लाह ने बहुत ताकत दी इन जानवरों को, तो ऐसे जानवर अगर उनको वो मुश्ताइल हो जाते हैं तो उस सूरत के अंदर इन जानवरों को के लिए ये लाजिम नहीं है कि आप उनका फिर मुकम्मल रुख जो है वो किबले की तरफ करें, बल्कि अदना रुख ही काफ़ी है जिसकी वजह से ये समझा जा सके कि ये अब किबले की तरफ है और उसके ऊपर बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको ज़िबा कर लिया जाए। ये तरीका है कि अगर गोली लग जाए ठीक या है इस सूरत के अंदर कि उसको जख्मी किसी भी तरीके से किया जाए। ठीक है। अच्छा, क्या गोली मार सकते हैं जानवर को? देखिए कुछ जानवर ऐसे हैं जो ऐसे मुश्ताइल होते हैं कि जिनको काबू करना मुश्किल होता है, जैसे कि गांव के पले हुए जो बैल हैं वो इंतहाई मुश्ताइल हो जाते हैं और उनको काबू करना मुश्किल होता है। इस मौके पर अगर किसी ने चला ली, ठीक अच्छा है, इस मौके पर अगर किसी ने चला ली तो जाहिर बात है खून निकलने के बाद एक कमज़ोरी सी जिस्म में आती है, तो उस कमज़ोरी से वो जानवर गिर जाता है। ठीक जब वो है गिरेगा तो वहाँ पे भी छुरी चलाने का हुक्म है, ये नहीं है कि आपने गोली मार दी आप छोड़ दें उसको और वो 2-4 घंटे के बाद है, तो ऐसा नहीं, बल्कि आप उसको छुरी के साथ ज़िबा करेंगे और ज़िबा का जो मसनून तरीका है उस पर हम डिस्कस कर लें अभी उसके बाद, ठीक तो है। उसका क्या। अच्छा, मुझे दूसरा इसके वाले से एक और क्वेश्चन बताइएगा, क्या किसी को करंट लगाकर जानवर को मारा जा सकता है कुर्बानी के लिए? देखिए ये मकरूह अमल है, गलत तरीका है, ठीक है इससे जानवर एकदम, ये दो तरीक़े हैं हमारे माशरे के अंदर जो इस्तेमाल ठीक हुए, है एक तो ये है कि ख़ा आबी जानवर हो या आबी जो दरिया समंदर के अंदर रहने वाले जितने भी अल्लाह की मखलूक है वो हो या ये जानवर वगैरह हो, इनको करंट वगैरह के दब से या सुन करके मारना ये एक गलत तरीक़ा है, एक गलत रविश है। ठीक है इससे यह है कि इस्लाम ने ऐसे तरीके से मना किया है, बल्कि वो तरीका ठीक जो है मारूफ है जिसको एक ठीक नबी है ने किया और एक मारूफ तरीका है उस तरीके को अपनाएं तो ये बहुत मुफीद होगा और बाइस से सवाब होगा। ठीक अलबत्त है यह गलत तरीका है, सवाब नहीं है, और सही यह है है कि कुर्बानी हो जाएगी, ठीक कुर्बानी है हो जाएगी, और अगर करंट के शॉर्ट सर्किट से मारा है और वो करंट से मर गया तो उस सूरत के अंदर इसको जायज़ नहीं होना चाहिए, चूँकि ठीक है आपने एक जानवर पर जुल्म किया है। इस्लाम ठीक है कतन ऐसे जुल्म की इजाज़त नहीं देता, ख्वाह वो इंसानों पर हो या जानवरों पर हो। इस्लाम ने हर तबके की एक हदूद रखे हैं और हर तबके का ख्याल रखा है, ताकि इंसानों के जैसा इकराम किया जाता है वैसा ही सलूक और बर्ताव जानवरों के साथ किया जाए। और आज जो मीडिया के ऊपर इतने लोग बोल रहे हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, उनको इस्लाम के इन चंद मसाइल से देख लेना चाहिए कि इस्लाम कितना खैरख्वाह मजहब है और कितना खैरख्वाह दीन है कि जो जानवरों तक के हुकूक महफूज कर रहा है। से। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइएगा कि कुर्बानी वैसे तो 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज को की जाती है, लेकिन इसमें क्या कोई अफजल वक्त भी है कि पहले दिन कुर्बानी करना ज़्यादा अफजल है या तीनों दिन का एक जैसा सवाब है? कुर्बानी का जो है ना सबसे अफजल दिन, अफजल वक्त जो है वही पहला वक्त यानी पहला दिन है 10 ज़िलहज का। अगर वो पहले दिन नहीं कर सका ठीक या है उसने की नहीं है, ठीक दूसरे है दिन भी कर सकता है यानी 11 ज़िलहज ठीक को। है इसी तरह अगर उसने मिसाल के तौर पर दूसरे दिन यानी 11 ज़िलहज को भी नहीं कर सका तो उसके लिए 12 ज़िलहज को भी करना जायज़ है और ठीक वो है कुर्बानी भी ठीक होगी, ठीक है इसमें किसी चीज़ की कबाहत नहीं है। सही। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अफसल सबसे पहला दिन है, उसके हाँ बाद अफजल दूसरे दिन भी जी और तीसरे दिन भी जी हो सकती है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा मुफ्ती क़िबला साहब के कुर्बानी के हवाले से कुछ मसनून चीज़ें या अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जो इनको कुरानी जिनको कुर्बानी के अंदर मद्दनज़र रखना चाहिए कुर्बानी करते वक्त। कुर्बानी करते वक्त आपने सबसे पहले चंद उमूर अपने जहन में रखने हैं। अव्वल तो आप जब कुर्बानी कर रहे हैं तो एक हदीस मुबारक है जिसको तवातुर की हद तक पहुँच चुकी है वो रिवायत, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपकी नीयतें दुरुस्त हों, बेशक लिल्लाहियत की नीयत हो और आप उसे नीयत अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने की हो, जब आपकी ये नीयत होगी
तो तब आप कुर्बानी करें तो कुर्बानी है। और दूसरा यह है कि कुर्बानी करते वक्त आप जो छुरी इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंतहाई तेज़ हो ताकि उससे जानवर को किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना हो, रोह निकलने में आसानी हो। और तीसरी चीज़ जिसको हम मद्देनज़र रखें, जानवर को अच्छी तरीके से बांध दें, क्योंकि बसा अवकात ऐसा होता है कि जानवर जो है उसके ऊपर छुरी फिर जाती है और उसके बाद फिर जानवर जो है वो इंसानों को भी ज़ख्मी कर रहा होता है और ख़ुद तो तकलीफ़ में। तो इस तरह करके आप बिस्मिल्लाह पढ़कर उस पर छुरी चलाएं और इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ध हनीफ़ा, ये शुरू में आप पढ़ें ये आयत। और उसके बाद जब आप कर लें तो कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि मेरी तमाम चीज़ें अल्लाह के लिए हैं, नमाज मेरी अल्लाह के लिए है और मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है और मेरी तमाम इबादात अल्लाह के लिए है, ताकि एक अबदन शकूरा की कैफियत बंदे पर आ जाए, बंदा एक अबद शकूर कहलाए। इस तरह करके कुर्बानी का मसनून तो यही तरीक़ा है कि जानवर को लेटाया जाए, मुकबले की तरफ किया जाए। इसकी इसका यही फ़लसफ़ा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेटाया, और मुफस्सिरीन ने यही तफसीर लिखी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उल्टा लेटाया और उनका चेहरा ज़मीन की तरफ कर दिया, ताकि वो जो पिदरी है, एक बाप का दिल है, वो जोश में आकर छुरी को आहिस्ता ना चलाए। तो यहाँ से ये मालूम हो रहा है कि जानवर पर जो छुरी चलानी है वो थोड़ी ज़ोर से करके तेज़ छुरी चलानी है, ताकि जानवर की रूह जल्दी निकले, उसको किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो।